इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में। पहले हम बात करते हैं फॉर्म 15G के बारे में। फॉर्म 15G एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जहां इंडिविजुअल और HUF, ऐसे इंडिविजुअल जो 60 ईयर्स से कम है और HUF, ये दोनों पर्सन्स ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जनरली बैंक्स को या फिर ऐसी अथॉरिटी जिनके पास से उन्हें कोई इनकम हो रही हो, इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी डिपॉजिट, रेंटल इनकम एटसेट्रा, ऐसे इनकम पे उनको TDS ना भरना पड़े, इसलिए ये फॉर्म दिया जाता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है कि आप 15G का फॉर्म तभी सबमिट कर पाओगे जब आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम एनुअल इनकम होती है। फॉर्म 15H के बारे में बात करें तो फॉर्म 15H एप्लीकेबल होता है सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को। सीनियर सिटीजन यानी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, ऐसे लोग ये डिक्लेरेशन फॉर्म जनरली बैंक्स को या फिर जैसी अथॉरिटीज हमने डिस्कस की उनको ये फॉर्म सबमिट करते हैं ताकि बैंक्स जैसी ये अथॉरिटीज है वो इनका TDS डिडक्ट ना करें। अब TDS कौन से इनकम पे डिडक्ट हो सकता है, तो इंटरेस्ट इनकम या फिर कोई रेंटल इनकम हो रही है वो, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस से होने वाली इंटरेस्ट इनकम हो या फिर डिविडेंड इनकम हो, ऐसे टाइप की जो भी इनकम से इनके ऊपर TDS की डिडक्शन ना हो, इसलिए फॉर्म 15H फिल किया जाता है। ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए साइन वेव को सब्सक्राइब करें।